अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आई एम मिस उल्फत अमीन। टुडे दिस वीडियो इज़ अबाउट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इफ वी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, राइट्स आर एक्चुअली द फंडामेंटल रूल्स अबाउट व्हाट इज़ अलाउड ऑफ पीपल और ओड टू पीपल अकॉर्डिंग टू सम लीगल सिस्टम। Or we can say rights are equally important, likewise laws, rules, and ethics. Or rights are often considered as fundamental to any civilization for the establishment of a society, or we can say a culture or a community. Now, if we talk about the rights of the child, the United Nations adopted the Declaration of the Rights of the Child on 20th November in 1959. Why? In order to meet the special needs of the child. As we know, children are the most important age group in our country, or we can say in our society. So we need to protect them, we need to protect their rights. Child rights are actually, we can say they are the subset of the human rights. The declaration that was signed in 20th November in 1959, India was also a part of that declaration, and it was decided in the declaration to give the child pride of place and to make the people aware of the rights and the needs of the child, or we can say the duties and the responsibilities towards the child. Now, if we talk about the rights of the child, there are 10 basic rights of the child. First is right to develop in an atmosphere of affection and security and protection against all forms of neglect and traffic. तो अगर हम देखेंगे व्हाट्स द फर्स्ट राइट, दैट इज़ कि एक बच्चे को हमें डेवलप करना है। दैट मींस कि जब बच्चा पैदा होगा उसका जो एटमॉस्फियर है वो होना चाहिए अफेक्शनेट, केयरिंग एटमॉस्फियर होना चाहिए, उसको सिक्योरिटी देनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ हजार्ड्स, लाइक एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको लाइक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होनी है उसे उसको प्रिवेंट करना है। तो ये है पहला राइट कि बच्चा जब पैदा होगा उसको उस एनवायरनमेंट में डेवलप करना है, वो उस एनवायरनमेंट में बड़ा होना चाहिए जहाँ उसको प्यार मिले, सिक्योरिटी मिले एंड प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द नेगलेक्ट, लाइक एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिक। अगर हम बात करेंगे नेगलेक्ट की, तो क्या है कि कुछ फैमिलीज़ क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नेगलेक्ट करती है, उसको प्रॉपरली फीड नहीं करती है, उसकी प्रॉपर केयर नहीं करती है। एंड समटाइम्स क्या होता है, अगर हम देखेंगे कि कुछ पैदा करके ही बच्चे को छोड़ देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ नेगलेक्ट या एक्सप्लॉयटेशन। कुछ फैमिलीज़ क्या करती है, बच्चों को काम कराती है, या बच्चा चाइल्ड लेबर जिसकी बात हम करेंगे ऐसा करती है, तो उनसे हम प्रोटेक्ट करना है। Next is right to enjoy the benefits of the social security including nutrition, housing and medical care। और बच्चा जो है उसको जो भी social security में जो benefits मिलते हैं, मतलब हर एक इंसान को वो मिलने चाहिए, लाइक उसको proper nutrition मिलनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे बच्चे की, उसको exclusive breastfeed मिलना चाहिए, उसको weaning proper time पे मिलनी, उसको nutrients proper मिलने चाहिए, उसको housing मिलने चाहिए, एक घर जिसको हम कहेंगे घर होना चाहिए उसका, और उसको मेडिकल केयर मिलना चाहिए। जब भी उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़े तो उसको वो अवेलेबल होना चाहिए। राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी, जैसे कि हम सबको पता है, हम सब का एक जब बच्चा पैदा होता है तो विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ उस बच्चे का नाम होता है कुछ, तो सेम वे उस बच्चे का एक राइट है, इट्स बेसिक राइट ऑफ द चाइल्ड कि उसका एक नाम हो और उसकी एक नेशनैलिटी हो कि वो कहाँ किस कंट्री को बिलोंग करता है। राइट टू फ्री एजुकेशन, और बच्चे का जो एक इम्पॉर्टेंट राइट है वो है राइट टू फ्री एजुकेशन, उसको जो एजुकेशन हो वो फ्री हो, चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, बट उसकी जो एजुकेशन है वो उसके लिए फ्री हो।
राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्ले में पढ़ाया है कि जैसे बड़ों का काम होता है कि दिन भर काम करना, जॉब पे जाना, लाइक डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं, तो वैसे ही बच्चों का जो मेन बिजनेस होता है वो होता है प्ले एंड रिक्रिएशन। सो उनको फुल अपॉर्चुनिटी देनी है कि हाँ वो आराम से खेले, और उनको डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अवेलेबल रखनी है। राइट टू स्पेशल ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड अप्रोप्रिएट केयर इफ़ हैंडीकैप्ड। तो उनको क्या है, अगर कभी बच्चा डिसेबल्ड हो, हम यहाँ पे हैंडीकेप नहीं कह सकते, हम कहते हैं इसको डिसेबल्ड, और वी कैन से डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चा हो, लाइक कुछ होते हैं ब्लाइंड होते हैं, डेफ एंड डम होते हैं, किसी की ये हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो ऐसे ही डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चे होते हैं, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको स्पेशल एजुकेशन मिलनी चाहिए एज़ पर द डिसेबिलिटी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए इंडिया में ब्रेल सिस्टम है, ठीक है, तो ऐसे ही जो भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हों उनके लिए होना चाहिए। राइट टू बी एमंग द फर्स्ट टू रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन टर्म्स ऑफ डिज़ास्टर, गॉड फॉरबिड अगर कोई डिज़ास्टर आता है कहीं पे भी, तो जो बच्चों का जो राइट है उनको हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, उनको हमें फर्स्ट प्रोटेक्ट करना है। लाइक अगर हम बात करेंगे जब 2014 में फ्लड आया था, तो हम एक जगह पे फंसे हुए थे, तो बहुत सारे लोग थे, बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, जवान थे, फीमेल थी, तो जब रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे थे वो बच्चों को दे रहे थे, या कहीं पे जो रिलीफ मिल रहा था वो भी पहले बच्चों को दिया जा रहा था। इसलिए कहीं पे भी डिज़ास्टर अगर हो, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो बच्चों को किया जाता है, बिकॉज़ दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। राइट टू लर्न टू बी ए यूजफुल मेम्बर ऑफ द सोसाइटी एंड टू डेवलप इन अ हेल्दी एंड नॉर्मल मैनर इन अ कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। और हमेशा उनको हमें सिखाना है कि आप एक यूजफुल सिटीज़न कैसे बनोगे, एक गुड सिटीज़न कैसे बनोगे, अपनी सोसाइटी के लिए आप बेनिफिशियल कैसे रहोगे, या एक इम्पॉर्टेंट मेंबर कैसे रहोगे, उसको हमें सिखाना है। एक हेल्दी बिहेवियर देना है, हेल्दी वे में आपको कैसे रहना है, या जो नॉर्मल मैनर्स है, नॉर्मल बिहेवियर है, आपको उनके साथ कैसे रहना है, डिग्निटी के साथ कैसे रहोगे आप। राइट टू बी ब्रॉट अप इन अ स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप एमंग पीपल, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जहाँ पे भी बच्चा, फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली में बच्चा पैदा होता है या कोई फैमिली अडॉप्ट करती है बच्चे को, तो हमेशा बच्चे को जब बहुत अपब्रिंगिंग जब हो वो उस एटमोसफियर में हो जहाँ पे लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ पे एक अच्छा माहौल हो, ये नहीं ब्रोकन फैमिलीज हो, लड़ाई झगड़े हो, नो नॉट लाइक दैट। तो वहाँ पे बच्चा पैदा होना चाहिए जहाँ पे पीस हो, ब्रदरहुड हो, ठीक है। राइट टू एन्जॉय दीज राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशन और द सोशल ओरिजिन। जो भी हमने राइट्स अभी तक पढ़े, लाइक राइट टू नेम, राइट टू नेशनैलिटी, राइट टू फ्री एजुकेशन, या राइट टू प्ले, रिक्रिएशन एट्सट्रा, वो हर एक राइट अवेलेबल रखना, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो हर एक बच्चे को अवेलेबल हो विदाउट कि वो किस कास्ट से हो, वो किस रिलीजन का हो, वो लड़का हो या लड़की हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या किस नेशन का हो, ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द लीगल राइट्स ऑफ द चाइल्ड, चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स क्या होते हैं। When the children are too young to care for themselves, parents or their substitutes are required to provide food, clothing, shelter, education and medical care for them. जैसे कि पता है आपको कि जब बच्चा छोटा होता है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गार्डियंस, क्या हमें देना, फूड, शेल्टर प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, प्ले आइटम्स देना, टॉयज प्रोवाइड करना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करना, क्लॉथिंग्स हमारे लिए, जो भी जेन्युइन डिमांड्स है वो हमारी पेरेंट्स फुलफिल करते हैं। तो ये पहला जो लीग
If the child are at a risk, such as neglected or abused, such persons, other persons such as neighbors, relatives, nurses, as professional persons. देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आप हो स्टूडेंट्स कहीं पर, अगर आप देखोगे कि आपकी सोसाइटी में बच्चा कहीं पर नेग्लेक्टेड हो रहा है, उसको पेरेंट्स केयर नहीं कर रहे हैं, या उसको वो पढ़ा रहे थे तो उन्हें स्टॉप किया उसको पढ़ाना, या अब्यूज़ कर रहे हैं पेरेंट्स या कोई भी गार्डियंस, तो बींग ए नेबर, बींग ए मेम्बर ऑफ द सोसाइटी, बींग ए नर्स, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स टू रिपोर्ट दिस नेग्लेक्ट टू द हायर अथॉरिटीज़. आप किसी कंसर्न SHO जो हो, या कंसर्न जो पुलिस डिपार्टमेंट हो, या कभी सोशल जो NGOs वगैरह होते हैं फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, उनको आप रिपोर्ट कर सकते हो ये चीज़ें, या खुद पहले वहाँ पे सॉर्ट आउट जाओगे, प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट करोगे. इन केस के नहीं आप नहीं कर पाए तो यू हैव टू प्रॉब्लम. चिल्ड्रन हु आर फिज़िकली और मेंटली चैलेंज स्टेट गवर्नमेंट, देखो जो भी बच्चे फिज़िकली मेंटली या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उन्होंने कुछ एक तो जो बेसिक राइट्स जो हम बोलते हैं 10 राइट्स है, कुछ एक्स्ट्रा राइट्स है, लाइक क्वालिटी केयर, मेडिकल केयर उनको देना, इक्वली उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना. जैसे कि आप देखोगे जो हर एक जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकलती है उसमें होता है लाइक कैटेगरीज, ओपन मेरिट के लिए इतने पोस्ट्स है, SC के लिए ये है, ST के लिए ये है, एंड PWD गो हो फिज़िकली जो चैलेंज्ड है, या PCH भी होता है कभी जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए है. तो अपॉइंटमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट में भी उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, एजुकेशन में भी अगर आप देखोगे उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जब भी कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है उसमें भी मतलब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है. एंड राइट टू लिव इन ए नॉर्मल सेटिंग इज़ पॉसिबल, वो भी जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वो भी नॉर्मल रह सकते हैं. चिल्ड्रन हैव द राइट टू एक्सप्रेस, और हाँ बच्चों को उनका एक राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक कभी डिसीजन मेकिंग में फॉर एग्जांपल उनको उनके लिए कपड़े लेने हो तो वो बोल सकते हैं कि वी डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ क्लॉथिंग्स और वी लाइक दिस टाइप ऑफ क्लॉथिंग्स, या हमें ये टॉय पसंद नहीं है वो टॉय चाहिए हमें, ठीक है. वेन कस्टडी ऑफ़ ए चिल्ड्रन इज़ फॉलोड द कोर्ट ऑफ, हाँ कभी कभी क्या होता है कि कस्टडी ऑफ द जो बच्चों की होती है वो गार्डियंस के हाथ होती है, पेरेंट्स के हाथ होती है. कभी कभी क्या होता है कुछ जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या है इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट कि वो डिसीजन ले. फॉर एग्जांपल अगर कभी बच्चे को कुछ देना होगा, कोई लीगल ट्रीटमेंट है, तो पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम कोर्ट वो डिसीजन लेता है. पेरेंट्स कांट, हाँ और कभी कभी क्या है पेरेंट्स कुछ विद होल्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों के लिए कोई भी मेडिकल केयर, तो उस टाइम भी कंसेंट जो है वो सकता है. चिल्ड्रन हैव द राइट टू नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हाँ. और बच्चों कभी कभी क्या होता है डिस्प्यूटेड फैमिलीज़ होती है, ब्रोकन फैमिलीज़ होते हैं, पेरेंट्स अलग होते हैं, तो ये बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बच्चों को ये राइट दिया जाता है कि वो चूज़ करें वो किस के साथ रहना पसंद करेंगे, किस पेरेंट के साथ रहना पसंद करेंगे, या हॉस्पिटल में अगर हो तो बच्चा डिसाइड कर सकता है कि वो किस डॉक्टर का केयर लेना चाहेगा, किस नर्स का केयर लेना चाहेगा, तो होते हैं. Adolescents has the right to obtain information about and confidential management of birth control measures, pregnancy, abortion, STD, alcohol. और जो एडोलसेंट होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे के रिलेटेड जो या एडोलसेंट्स जो होते हैं उनको ये राइट दिया जाता है कि उनको कॉन्फिडेंशियली मैनेज कर सकते हैं, वो उनको आना चाहिए डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मैनेज मेजर्स क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, अबॉर्शन क्या है, STD क्या है, अल्कोहल क्या है, ड्रग एब्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, उनको ये हम अवेयरनेस हमें देनी है, उनका ये राइट है. तो थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. ओके, अल्लाह हाफिज़.